नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल सिंह पांडे अभी हूँ करोटी घट्टा पंचायत में। यहाँ ये जो नलेड़ गांव से या दूसरे गांव से लोग आए हैं और जिस तरीके से विस्थापन हुआ है, यहाँ लोग रह रहे हैं और मजबूर हैं, अपने आशानों को छोड़कर यहाँ आए इस बारिश में। और अभी दिक्कत ये हो रही है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आप देख रहे होंगे, ये जितने भी टेंट दिए गए हैं वहाँ इनकी क्वालिटी इस तरीके से है कि जो बारिश हो रही है तो पानी इन टेंट के बीच में घुस रहा है और इनका जीना दुर्मुख हो रहा है। यहाँ मेरा रिक्वेस्ट रहेगी स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय एस डी महोदय जी से, स्थानीय विधायक महोदय जी से या दूसरे भी कोई समाज से भी है कि कम से कम इनके टेंट की जो व्यवस्था है वो टेंट जैसे आर्मी में दिए जाते हैं, पैरामिलिट्री में दिए जाते हैं, जिस तरीके से कि वाटरप्रूफ टेंट दिए जाए ताकि आने वाले समय में इनको ये दिक्कत ना हो। क्योंकि बच्चों के साथ यहाँ रहना, और अभी आधा घंटा एक बारिश हुई है और बारिश में इतने बुरे हाल, इतने बुरे मंजर हैं कि लोग बाहर इसलिए आ गए हैं कि पानी टपक रहा है। मैं ये चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा स्थानीय प्रशासन के कि इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से सोचे और इनको आने वाले समय में आश्रय दे ताकि ये अपने बच्चों को और ज़्यादा सेफ कर सके। प्रकृति के इस जो खिलवाड़ हुआ प्रकृति ने किया, इसके ऊपर ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही आप कुछ कर सकते हैं, पर हमें, हमारी इंसानियत ये बोलती है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितना हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें तो करनी चाहिए। यहाँ मुद्दा ये है कि इतने लोग इतने इकट्ठे एक साथ रह रहे हैं, पर इनका मंजर देखकर हमारा दिल जो है वो दहक रहा है कि आने वाले समय में इनका भविष्य क्या होगा, आने वाले समय में इनके साथ क्या होगा। अभी बरसात उतरी है और जिस तरीके से कल का येलो अलर्ट दिया हुआ है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो मेरे स्थानीय प्रशासन से एक बार फिर विनम्र निवेदन रहेगा, मैं जहाँ भी गया हूँ, चाहे मैं चुड़ाना गया हूँ, चाहे मैं दूसरी जगह गया हूँ, चाहे चलाड़ी गया हूँ या कहीं और जगह भी गए, चाहे हमने फ़ोटो डालना ठीक नहीं समझा, फ़ोटो डालना उचित नहीं समझा कि इस समय किसी की संवेदनाओं के साथ खेल हो जाएगा। यहाँ लाइव आने का भी हमारा एक ही मकसद है कि इन लोगों की आवाज़ को स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाना, ताकि वो लोग जो है, जो स्थानीय प्रशासन जो है वो आकर इनके दुख दर्द को और अच्छे तरीके से समझे और कम से कम इनके टेंट की व्यवस्था जो है वो सही तरीके से की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद।